घर चूड़ी पहुंचा, सुबह देखते हैं आधा पौना किलोमीटर आगे। फोन भरा नाम मेरा नाम मालिक ग्रां का रौह्ने वाला। ये मेरा जो भतीजा लगता मुड़ा, ये मिस्त्रियों का काम करता, शामी ध्याड़ी लाइए घर गया। लास्ट गली सारे साढ़े सात अठ बजे के करीब जी हुई थी भट्टी, तो उतना उतरिए घर जाइए। मैं अपने घर सब्जी सुब्जी बनाई, रुटी छुट्टी खाधी, लेटने तैयारी की, फोन आया कि 10 बजे के करीब करीब, क्योंकि घर आए गल सुना मैं 10 बजे के करीब करीब फोन आया। लगे अपना जी तुम इं काम करो, मैं जाना पे जी, क्योंकि एमरजेंसी कुछ ही बनी सकती, मुताद करना चाहिए। वो बाद सर वापस वो मुड़िया नहीं, तो अस रात घर बारह कुंडी लाइए गए, घर आए बारे नहीं निकली सके, जिन्हें नहीं एक दूसरे सुनाई सके। सवेरे असें पता लगता सर 7 बजे के करीब करीब कि भाई इतने अस माली का अपने ध्याड़ी लाने वादे मजदूरी करने, अस मानसर का वापस गए। असें देखा कि इतने एक कैंथा का बूटा, पता नहीं इतने लोग आखते हैं थे पर साढ़े प्हाड़ी इलाके अस कैंथा आखते हैं, कैंथा का बूटा वह पटन परना जो पेदा वह गले से बधे का, पर इन्नी हाइट कोई हाइट होंगी कि उपरा फाह लगे ता भी अस मनते, एक घुटना नुआढ़ा धरती पेदा, दूर पैर मारे डींगा जहाँ वो भी धरती गै लगे, इं समझी लगे नुआढ़ी हाइट को थल्ले। शक उस उपर लगता कि कोई हत्या की गई? असें पूरा फुल शक कर रहे कि कोई साजिश हत्या की गई थी, तो अस ये मदद करने को गौरमेंट ने साफ। ये है कि जब पता लगा कि स्वास्थ्य